Hello everyone, I am Logesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is very important for the freshers batch as well as for the college students, like if you are from 2023 batch. बात कर रहा हूँ मैं important updates से related, joining and onboarding से related. तो आज की इस वीडियो में हम joining and onboarding के बारे में discuss करेंगे, क्योंकि अभी काफी companies की तरफ से candidates को धीरे धीरे onboarding आ रही है, मतलब different month में different joinings आ रही है. जैसे एसेंशियर की अभी 6 जुलाई की ज्वाइनिंग है, फिर डिफरेंट कंपनीज की टीसीएस की भी अभी थोड़ी ऑनबोर्डिंग डेट्स आई थी. बात करते हैं कि विप्रो और इन्फोसिस की कोई ऑनबोर्डिंग डेट देखने को क्यों नहीं मिल रही है, एंड आप सभी के लिए मेरे पास क्या सजेशंस है, अदर ऑप्शंस क्या है जो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग डेट आ रही है, कुछ कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग डेट नहीं आ रही है. एंड आप सभी के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं मैसेजेस देखता हूं कि क्या ऑनबोर्डिंग आ पाएगी, कितना टाइम लगेगा ऑनबोर्डिंग में, एंड हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं. स्क्रीन पे आपको अभी एक व्हाट्सएप मैसेज शो हो रहा होगा जिसमें पोल है कि कितने कैंडिडेट्स को ऑनबोर्डिंग आई है एंड कितने कैंडिडेट्स को नहीं. देखिए मैं आप सभी को ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ क्यों आपको पता चले कि हाँ, मतलब कब से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, इसी के साथ साथ कितने कैंडिडेट्स को ऑनबोर्डिंग आई है. तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये होता है कि जो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि ऑनबोर्डिंग डिले क्यों हो रही है. देखिए हमें पता है कि रिसेशन आया, सिचुएशन इतनी डाउन हो चुकी है कि कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स नहीं है. तो कंपनीज अभी नए जो उन्होंने फ्रेशर्स हैं उनको हायर किया, टेस्ट के लिए वो सिलेक्ट भी हो गए, इसी के साथ साथ तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं आ पा रही, ऑनबोर्डिंग नहीं आ पा रही है. क्योंकि अगर वो ऑनबोर्ड कर लेंगे तो फिर वो प्रोजेक्ट्स में, मतलब वो प्रोजेक्ट कहाँ से देंगे, क्योंकि अभी उतनी डिमांड्स नहीं है, उतने प्रोजेक्ट नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट तो यह आता है. दूसरा पॉइंट यह आता है कि कब तक हम वेट कर सकते हैं. देखिए अभी काफी सारी कंपनी, जैसे कि मैं पर्टिकुलरली बताऊं, कैपजेमिनी हो गई, विप्रो हो गई, बहुत सारी जगह हमने ये देखा है कि उन्होंने साफ साफ मेल में मेंशन कर रखा है कि अभी सिचुएशन वैसी नहीं है कि वो एकदम से ऑनबोर्डिंग दे पाएंगे, तो आप अदर ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं. इसका एक बेस्ट ऑप्शन आपको बताता हूं. देखिए मान लीजिए आप अभी वॉक इन ड्राइव में जाते हैं किसी कंपनी में, ठीक है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन कि आप अपने रोल से रिलेटेड, मान लीजिए आपको किसी रोल के लिए अप्लाई करना है, तो आप वॉक इन ड्राइव में बैठ सकते हैं पर्टिकुलरली रोल के लिए, एंड वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के बाद आप वहां पर काम कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी या किसी भी बड़ी कंपनी में स्विच कर सकते हैं. जनरली यही होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन अगर टॉप एमएनसी में नहीं होता है, रेप्यूटेड एमएनसी में शुरुआत में नहीं होता है, देन वो एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं, एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, छोटी कंपनी होगी भले, उससे एक्सपीरियंस लेते हैं एंड देन स्विच करते हैं, जिससे कि वो स्किल सेट में आगे बढ़ सकें. क्योंकि देखिए अभी कोई, मतलब ऐसा एक अपडेट नहीं आ पा रहा है. जैसे अगर मैं इंफोसिस की भी बात करूं, विप्रो की भी बात करूं, तो अभी अगर आपको अगर कोई ज्वाइनिंग का अपडेट आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ हमें इस डेट की ज्वाइनिंग का अपडेट आया है. मैं आप सभी को ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेट करते करते अभी बहुत टाइम हो चुका है. तो हमें खाली बैठने से तो अच्छा है कि हम कुछ नई स्किल सेट सीख ले, या फिर हम कहीं इंटर्नशिप कर ले, इंटर्नशिप से फुल टाइम रोल भी हो रहा हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं. हम हमारे चैनल पे पिछले 2 साल से काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स ला रहे हैं. अभी हमें रिस्पॉन्स की कमी दिखी कि रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है. मैं चाहता हूं कि आप सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करें. आपके लिए हम डिफरेंट सेशंस लाएंगे जल्दी से जल्दी, जिसमें लिंक्डइन से रिलेटेड आप कैसे जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि आपकी एक बेटर जॉब लग सके. तो देखिए मेरा ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग से रिलेटेड यही सजेशन है कि आपको अभी से अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. क्योंकि अगर अभी ऐसा कोई, मतलब पर्टिकुलरली वो सेट नहीं है, एक टाइमलाइन सेट नहीं है कि हाँ इसी दिन या इसी मंथ में या इसी डेट पे ज्वाइनिंग आएगी. आने को ज्वाइनिंग 5 दिन बाद भी आ सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है ना कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग आ रही है, और ज्वाइनिंग आने के बाद क्या, जैसे मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स को अभी एसेंजर की 6 जुलाई की ज्वाइनिंग आई, वैसे आने वाले टाइम पे भी ज्वाइनिंग आ सकती है. तो मेरा आपसे बस यही इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप अदर जॉब्स के लिए भी अप्लाई करें. आपको गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करना है, गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं. आपको डिफरेंट अदर अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं. बट यही है कि अगर मान लीजिए आपको कोई कोर्सेस समझ आते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें ये कोर्स कर लेना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा, मतलब कुछ सीखने को मिल जाएगा,
तो आप वो भी कर सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं। और ये जो स्विच वाला आइडिया है, ये मैंने मेरे काफी सीनियर्स से बात करी थी। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी एक टॉप एमएनसी में अभी वर्क कर रहे हैं, पर पहले उन्होंने एक स्मॉल कंपनी से स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कंपनी में हम कुछ सीखते नहीं है, हाँ कंपनी छोटी होती है बट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैटर करता है, और स्किल सेट है तो डेफिनेटली आपको जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो मेरा तो यही सजेशन है। बाकी अगर आपको और कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।